कैसे बिगनर्स सीखते हैं जापनीज बोलना, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो उनको शुरू में सिखाए जाते हैं जिससे धीरे धीरे वो अपनी लैंग्वेज को और एडवांस करते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए तो देखते हैं पहला मेथड, जो कि है ब्रेक डाउन मेथड, यानी एक्चुअल वर्ड जो मुश्किल है या कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपने अभी सीखा ही नहीं है, या फिर आप भूल गए हैं, उसको छोटे वर्ड्स में डिवाइड कर देना या फिर एक सेंटेंस में उसको समझाना। देखिए, जब भी कोई जापनीज लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तो ऑब्वियसली एकदम से सब कुछ नहीं आ जाता उसको, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे अपनी लैंग्वेज में ढाला जाए, अपने स्टाइल में ढाला जाए, ताकि आप मोटिवेटेड रहें और आप डिमोटिवेट होकर लैंग्वेज छोड़ के ये ना बोलें कि जापनीज लैंग्वेज मुश्किल है। तो देखिए, आपको उस वर्ड को जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स या बड़ा है, आपको याद करने में मुश्किल हो रही है, पहले आपको उसके छोटे छोटे वर्ड्स से एक्सप्लेनेशन को पूरा करना है, धीरे धीरे उस वर्ड को आप सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग, इसको कहते हैं किन इन, इसको अगर आप भूल गए तो आप कह सकते हैं तबाको सुत्तेवा इकेनाई को। तो बेसिक लैंग्वेज तो आनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी आप काइवा कर पाएंगे। तो अभी आप काइवा को छोड़ दीजिए, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, पहले आप बिगनर वाली लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद आप काइवा सीख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, पब, जिसको कहते हैं इजाकाया, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं साके ना दो नोमू तो कोरो। इस तरह से कॉम्प्लेक्स वर्ड को हमने छोटे छोटे वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन के तौर पे कन्वे किया है, उसके बाद आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, अगर आपके सामने जैपनीज है जो काइवा कर रहा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका वेट करिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है लाइब्रेरी, जिसको कहते हैं तोशोकान, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं होन नो काशीदाशी ओ सुरु तो कोरो, या फिर शिजगानी होन ओ योमू तो कोरो। चलिए अब कुछ एडवांस एक्सप्रेशंस देखते हैं। शू कात्स, जो कि होता है शू शोकू कात्स दो, यानी कि जॉब हंटिंग या फिर जॉब सर्च, इसको हम कह सकते हैं शिगोतो ओ सागाशी दास कात्सुदो, कात्सुदो का मतलब होता है एक्टिविटी। एक और एग्जांपल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वर्ड होता है केंक्यू काईहत्स, केंक्यू मतलब रिसर्च और काईहत्स मतलब डेवलपमेंट, इसको हम अलग अलग एक्सप्रेशन से कह सकते हैं, जैसे शोहिन ना दोनों काईहत्स नो तामिनी केंतो शितारी चोसा शितारी शुरू को। तो इतनी लैंग्वेज तो आनी चाहिए आपको कि अगर आप बेसिक वर्ड्स यूज करके एडवांस वर्ड एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो बस समझिए आपका काम हो गया। और अगर आप जापनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैं कहूँगा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है nihongomax.com, जो सिर्फ जापनीज लैंग्वेज सीखने वालों की एक कम्युनिटी है, जिसमें वॉल पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस जापनीज तक सब कुछ एक क्लास फॉर्मेट में सिखाया गया, जिस तरह से इंस्टीट्यूट में हिंदी में समझाते हैं, चाहे JLPT हो, काइवा हो, बिजनेस जापनीज हो, N5, N4, N3, N2, N1, ग्रामर, कांजी, दोकाई, चोकाई, सब कुछ हिंदी में समझाया गया है, विद मोटिवेशन एंड गाइडेंस, बेटर देन जापनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, ओनली ऑन nihongomax.com। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है स्मॉल सेंटेंसेस को कॉपी पेस्ट करना। जी हाँ, अगर आप ये मेथड एक बार सीख गए, अगर आपने ये टेक्निक एक बार सीख ली, तो आपको फिर आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बुक्स हो, चाहे आप जापान में हो, चाहे आप जापनीज के सामने हिंदी में बात सॉरी जापनीज लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो वो काइवा आपकी आगे 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 बढ़ती जाएगी। काइवा करने का ये जो मेथड है, बल्कि मैं कहूँगा काइवा करने का जो उसूल है, इसको अगर आपने फॉलो किया, और इनफैक्ट अगर आप फॉलो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो लोग बेसिक से एडवांस में जाते हैं वो फॉलो करना पड़ता है, या फिर वो इसी राह पर चल पड़ते हैं, और यही मेथड एक तरह से आपको सिखा देता है नॉर्मली जापनीज बोलना, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको बोलते हैं, आपके जो हेजिटेशन का बैरियर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है इससे। तो इसमें आपको करना क्या है, बस एक छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं, वो मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में भी समझाया है, वो अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, ये आप आगे जाके एडवांस सीखने के बाद कर सकते हैं, ताकि आपके जो द्वारा बनाए गए सेंटेंसेस हैं वो लगभग सही ही हों। स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि आपके जो सामने बेसिक सेंटेंस है या फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट सेंटेंस है, उसको ही एज इट इज़ रेफर करिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पार्ट आप चेंज कर सकते हैं, या ग्रामर पार्ट जो कि आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि पूरा एज इट इज़ उस सेंटेंस को कॉपी करके आप उसको बोलें, उसको लाउड वॉइस में, उसको क्लियर वॉइस में बोलें और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। अगर आपके सामने जापनीज नहीं है, आप घर पर ही हैं, तो आप अपने आप से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बहुत कुछ कई बार समझाया है। आई होप इतने ही मेथड से आपको ये काइवा करने का कॉन्फिडेंस आएगा, और आप आगे जाके अपने मेथड्स खुद इवॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप और क्या सोचते हैं काइवा के बारे में। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, अरिगातो गोज़ाइमास, शित्रे शिमास।